हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य के दिमाग के बारे में, यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में, जो हमारा ब्रेन होता है वो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो पहले हम इस चित्र को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, कपाल या फिर खोपड़ी। तो कपाल किसको कहते हैं, हमारी खोपड़ी जो होती है उसको हम इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम क्रेनियम। ठीक है, तो क्रेनियम में जो होती है वो कितनी हड्डी होती है, क्रेनियम में हड्डियों की संख्या होती है हमारी 8। बात कर लेते हैं, देखिए अनुमस्तिष्क यहाँ पर होता है, मेरुरज्जु कहाँ होता है, मेरुरज्जु यानी कि हमारी रीढ़ में होता है मेरुरज्जु। ठीक है, मेडुला ओब्लॉगंटा कहाँ है, यहाँ पर है। मेडुला ओब्लॉगंटा का बहुत ही दिमाग को कंट्रोल करने में योगदान रहता है। ठीक है, और मध्य मस्तिष्क हमारा यहाँ पर है, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में देख लेते हैं, तो पीयूष ग्रंथि के बारे में देखते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को और नाम से जानते हैं, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं या फिर इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे मस्तिष्क के बारे में। देखिए, पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम मस्तिष्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में देख लेते हैं हम। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अग्र मस्तिष्क, फिर पढ़ेंगे यहाँ पर मध्य मस्तिष्क, फिर पढ़ेंगे हम पश्च मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, देखिए तो अग्र मस्तिष्क में, तो अग्र मस्तिष्क का भाग जो होता है वो कहाँ का है हमारा, ये जो है हमारा कहाँ का भाग है, अग्र मस्तिष्क मतलब हमारे दिमाग का जो आगे का भाग है उसको बोलेंगे अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा क्या, सेरिब्रम। क्या है हमारा, सेरिब्रम। क्या है, सेरिब्रम। ठीक है, तो सेरिब्रम के बारे में देख लेते हैं। तो सेरिब्रम जो होता है हमारे दिमाग का, हमारे दिमाग का लगभग 66% भाग जो होता है वो सेरिब्रम का ही होता है, यानी कि हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाता है, वो सेरिब्रम हो जाता है। सेरिब्रम होता कहाँ है, आइए देख लेते हैं। तो सेरिब्रम जो होता है वो होता है हमारा यहाँ पर, सेरिब्रम होता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सेरिब्रम का भाग है। ठीक है, ये क्या हमारा, सेरिब्रम। तो दिमाग का लगभग 66% भाग क्या है, सेरिब्रम का ही है। सेरिब्रम का काम क्या होता है, तो सेरिब्रम का काम जो होता है, देखिए क्या होता है सेरिब्रम का, हम जो है किसी चीज़ को सोचते हैं तो वो क्षमता कहाँ से आती है, सेरिब्रम से। कौन सोचता है, सेरिब्रम। किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा आती है, सेरिब्रम से। ठीक है, किसी चीज़ को सीखने की जिज्ञासा कहाँ से आती है, सेरिब्रम से। ठीक है, और मेमोरी को कंट्रोल कौन करता है, मेमोरी को कंट्रोल भी करता है हमारा सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम का काम एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ, समझने की क्षमता। समझने की क्षमता कहाँ से आती है, सेरिब्रम से। ठीक है, जानने, किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा, किसी को जानने की जिज्ञासा कहाँ से आती है, सेरिब्रम से। ठीक है, मेमोरी कंट्रोल कौन करता है, मेमोरी कंट्रोल कौन करता है हमारा, सेरिब्रम करता है। ठीक है, सेरिब्रम के बारे में आपने ये देख लिया। अब बात करते हैं अग्र मस्तिष्क में, अब बात करेंगे हम किसकी, सेरिब्रम की बात हो गई यहाँ तक, अब बात करेंगे हम, अब क्या आता है, तो अब आता है हमारा थैलेमस। तो थैलेमस कहाँ है, देखिए दिमाग में देख लेते हैं हम, यहाँ पे जो चित्र है, थैलेमस है हमारा, ये क्या है हमारा, थैलेमस। तो थैलेमस को देखिए काम क्या होता है थैलेमस का, तो थैलेमस का काम जो होता है किसी भी बाहरी चीज़ को देखना, यानी कि हमारे दिमाग में पता चल जाएगा, अगर मान लो हमें कोई पीछे से टच करता है तब कौन देखता है हमारा, थैलेमस देखता है। ठीक है, या फिर हमें कोई पीछे से पीटता है या फिर हमारी बॉडी को कोई टच करेगा तब कौन देखेगा, थैलेमस। ठीक है, यानी कि बॉडी के बाहरी चीज़ों को कौन देखता है, थैलेमस। ठंड है बाहर, बाहर गर्मी है, उसको कौन महसूस करता है, थैलेमस। ठीक है, अगर बाहर गर्मी होगी तो थैलेमस बता देगा हमें बाहर गर्मी है, अगर ठंड होगी तो ठंड को बता देगा हमें बाहर ठंड है। ठीक है, तो थैलेमस का काम हो गया, लिख लेते हैं हम इसको यहाँ पर थैलेमस। थैलेमस का काम क्या होता है, देखिए बाहरी चीज़ों को देखना, बाहरी चीज़ों को कौन देखता है, थैलेमस। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ठंड है, गर्मी है, ठंड गर्मी इन सब चीज़ों को कौन देखता है हमारा, थैलेमस। और है इसमें एक दर्द है, अगर मान लो हमें कोई बाहर से पीटेगा तो दर्द तो होगा ना, तो उसको कौन देखेगा, उसको देखता है हमारा थैलेमस। तो थैलेमस की बात हो गई, बात कर लेते हैं हम हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस देखिए, हाइपोथैलेमस यहाँ पे लिख लेते हैं हम, हाइपोथैलेमस।
जगह कम है थोड़ी, इसलिए छोटे छोटा लिखना पड़ रहा है। ये हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? तो हाइपोथैलेमस का जो काम होता है वो होता है हमारी बॉडी के आंतरिक चीज़ों को देखना, यानी कि हमारी बॉडी में कहीं अंदर दर्द होता है या फिर भूख लगती है, उस चीज़ को कौन देखता है? हमारा हाइपोथैलेमस देखता है। ठीक है, कौन देखता है? हमारा हाइपोथैलेमस देखता है। तो हाइपोथैलेमस का देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम काम, आंतरिक। ये क्या है? आंतरिक। ठीक है, आंतरिक चीजों को कंट्रोल कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस काम करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। देखिए शरीर के अंदर की चीजों को कौन देख रहा है? हमारा हाइपोथैलेमस देख रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम, भूख है या फिर अंदर कहीं दर्द है या फिर कहीं कोई भी प्रॉब्लम है जो अंदर की बॉडी में, उसको कौन देखता है? हमारा हाइपोथैलेमस देखता है। ठीक है, या फिर एक चीज़ यहाँ से देखते हैं हम, शरीर का जो हमारे अंदर का ताप होता है उसको भी कौन देखता है? आंतरिक ताप जो होता है उसको कौन देखता है? हमारा हाइपोथैलेमस ही देखता है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस जो होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं, देखिए ये तो बात थी किसके अग्र मस्तिष्क की, अब बात करेंगे हम किसके मध्य मस्तिष्क में क्या क्या होता है। मध्य मस्तिष्क में तो देखिए यहाँ से समझ लेते हैं हम, एरो से दिखा दे रहे हैं यहाँ से, ये क्या है हमारा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मध्य मस्तिष्क के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए तो मध्य मस्तिष्क में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या वो होती हैं? एक तो इसमें होता है कॉर्पोरा, एक क्या होता है हमारा कॉर्पोरा। तो कॉर्पोरा का क्या काम होता है? देखिए कॉर्पोरा का काम जो होता है वो होता है हमारा सुनना और देखना, सुनना और देखना, यानी कि सुनना और देखना किसके द्वारा होता है? कॉर्पोरा के द्वारा। ठीक है, सुनना और देखना कहाँ से होता है? कॉर्पोरा से, यानी कि आँख से और कान से संबंधित है हमारा क्या? कॉर्पोरा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम, ये तो बात हो गई इसकी, अब यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे, किसकी बात होगी? ये तो हो गया हमारा कॉर्पोरा, और है इसमें क्या है? सेरिब्रल क्या है? सेरिब्रल के बारे में देखते हैं। तो सेरिब्रल का क्या काम होता है? हमारे दिमाग में क्या काम होता है सेरिब्रल का? तो ये होता है हमारा मेरुरज्जू में इसका काम, मेरुरज्जू। इसमें इस सेरिब्रल का जो काम होता है वो कायम होता है मेरुरज्जू। मेरुरज्जू कहाँ है? मेरुरज्जू ये है हमारा, जिसको बोलते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से होता है? हमारे दिमाग से लेकर जो रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि मेरुदंड जो होता है उसमें होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेरुरज्जू होता है। ठीक है, और देख लेते हैं हम इसके बारे में, मध्य मस्तिष्क की बात हो गई, बाढ़ कहते हैं पश्च मस्तिष्क की। तो पश्च मस्तिष्क में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है वो है हमारे? एक तो है हमारा सेरिबेलम और एक है हमारा मेंडुला ऑब्लॉगेंटा। ठीक है, तो सेरिबेलम कहाँ है इसमें? सेरिबेलम शायद हमने लिखा नहीं है इसमें। तो देखिए मेडुला ऑब्लॉगेंटा को देख लेते हैं, मेडुला ऑब्लॉगेंटा क्या काम होता है? जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो सब किसके द्वारा होती है? मेडुला ऑब्लॉगेंटा के द्वारा होती है। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं, देखिए सेरिबेलम के बारे में, सेरिबेलम और यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक चीज़ और, देखिए यहाँ पे हम केवल मेडुला लिख देते हैं, मेडुला। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं मेडुला। तो पहले हम देख लेते हैं सेरिबेलम के बारे में, सेरिबेलम का क्या काम है? देखिए तो सेरिबेलम का जो काम होता है वो होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करना, बॉडी कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेरिबेलम, यानी कि अब अच्छा ये सेरिबेलम जो होता है वो शराब पीने पर जो होता है बिल्कुल बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो जो शराबी होता है वो गिरा फिरता है, किसके कारण? क्योंकि उसका सेरिबेलम जो होता है वो काम करना छोड़ देता है। किसके कारण छोड़ता है? क्योंकि उसने शराब पी रखी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मेडुला ऑब्लॉगेंटा की, मेडुला ऑब्लॉगेंटा का यहाँ है हमारा मेडुला ऑब्लॉगेंटा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसकी, तो मेडुला ऑब्लॉगेंटा का क्या काम होता है? इसका काम होता है हमारा श्वसन को देखना या फिर पाचन को देखना। पाचन को कौन कंट्रोल करता है और श्वसन को
हमारा मेडुला ऑब्लॉगंटा के अंतर्गत आते हैं हमारा पाचन और श्वसन। तो इसके बारे में और देख लेते हैं हम। इसके बारे में देखिए, जैसे कि इसका आकार कैसा होता है। इसका आकार जो होता है वो होता है हमारा बेलनाकार आकार होता है, ठीक है। और जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो सब मेडुला ऑब्लॉगंटा के अंतर्गत होती हैं, ठीक है। अब बात करें तो देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है। अब यहाँ पे हो गया खांसना है या फिर छींकना, ये सब किसके अंतर्गत हो रही है, सब मेडुला ऑब्लॉगंटा के। छींकना है या उल्टी करना है, यहाँ से समझ सकते हैं, उल्टी करना है, ये सब किसके द्वारा हो रही है, मेडुला ऑब्लॉगंटा में हो रही है, ठीक है। जो मेडुला ऑब्लॉगंटा होता है वो कुछ तंत्रिकाओं का केंद्र भी होता है, जैसे कि किस किस का होता है मेडुला ऑब्लॉगंटा, जो तंत्रिकाओं का केंद्र होता है वो किसका होता है, जैसे कि रक्तदाब है, ठीक है। किसका केंद्र हो गया, रक्तदाब का है, और हृदय की धड़कन हो गई। तो आई होप कि इस वीडियो में आप दिमाग के बारे में, मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वो किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन सी ग्रंथियां काम करती हैं, और मनुष्य का जो दिमाग होता है उसके कितने भाग हैं, सेरिबेलम का क्या काम है, थैलेमस का क्या काम है, और हाइपोथैलेमस का क्या काम है, कारपोरा का क्या काम है, मेडुला ऑब्लॉगंटा का क्या काम है, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है। तो एक बार और समझते हैं इसको, देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं अग्रमस्तिष्क में क्या होता है, सेरिब्रम लगभग दिमाग का कितना, लगभग 66% भाग होता है सेरिब्रम का, ठीक है। सेरिब्रम समझने की क्षमता, किसी चीज़ को जानने की क्षमता, मेमोरी कंट्रोल, किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा कहाँ से मिलती है, सेरिब्रम से। बाहरी चीज़ों को कौन देखता है, हमारा थैलेमस देखता है। आंतरिक चीज़ों को कौन देखता है, हमारा हाइपोथैलेमस देखता है। बाहर ठंड है, बाहर गर्मी है, उसको कौन देख रहा है, थैलेमस। अंदर का ताप कैसा है शरीर का, या फिर अंदर कहीं दर्द है, उसको कौन देखता है, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में कारपोरा हो गया, कारपोरा सुनना या फिर देखना, ये हो गया हमारा ईयर से संबंधित, ये हो गया हमारा आई से संबंधित, ठीक है। कारपोरा की बात होगी, बात करते सेरिब्रम मेरुरज्जु से संबंधित है। बात करें मेडुला ऑब्लॉगंटा, श्वसन पाचन को कौन देखता है, मेडुला ऑब्लॉगंटा। खांसना छींकना अनैच्छिक क्रियाओं को कौन देखता है, हमारा मेडुला ऑब्लॉगंटा। कुछ का केंद्र भी होता है मेडुला ऑब्लॉगंटा, रक्तचाप को और हृदय की धड़कन का केंद्र है मेडुला ऑब्लॉगंटा, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। मिलते हैं कौन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।